पूरे भारतवर्ष में आज घर घर गजानन विराजेंगे। गणेश चतुर्थी का पावन पर्व बड़ी धूमधाम से सब जगह बनाया जाएगा, लेकिन गणेश की स्थापना करने से पहले दिशा का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। आइए पंडित जी से जानते हैं शुभ दिशा। भारत में हर जगह हर घर में प्रत्येक घर में भगवान गणेश जी महाराज की स्थापना की जाती है तथा रिद्धि बुद्धि सिद्धि के दाता घर में लाया जाता है कि हमारे घर में सुख शांति तथा धन समृद्धि का वास रहे तथा सदैव हमारे घर में सद्बुद्धि का निवास रहे। इसलिए भगवान गणेश जी महाराज सभी अपने अपने घर में विराजमान करते हैं, सब भगवान गणेश जी महाराज का पूजन करते हैं, उनकी स्थापना करते हैं तथा ज्योतिष शास्त्र तथा भारतीय शास्त्र के अनुसार बताया कि गणेश जी महाराज को विराजमान करने के लिए उनको स्थापित कर रहे हैं भगवान गणेश जी महाराज की, तो उसमें दिशा का भी ध्यान रखना चाहिए। तथा शास्त्रों में दिशाओं का बड़ा महत्व है, प्रत्येक दिशा का एक पृथक पृथक देवता कहे गए हैं। उसी प्रकार अगर भगवान गणेश जी महाराज को अपन घर में आगमन ला रहे हैं तो उनको किस ओर बिठाना चाहिए इस संबंध में अपन बात कर रहे हैं, तो भगवान श्री गणेश जी महाराज को सदैव उत्तर पूर्व दिशा में भगवान को विराजमान करना चाहिए। उत्तर दिशा में अगर विराजमान करते हैं, उत्तर दिशा के स्वामी जो भगवान कुबेर जी महाराज का वहाँ पर निवास होता है, अगर उत्तर दिशा में भगवान गणेश जी महाराज को विराजमान करें और भगवान गणेश जी महाराज का पूजन करें तो उसे घर में धन्य धान्य की आदि की वृद्धि बनी रहती है, तो सदैव लक्ष्मी का वास रहता है। और वहीं दक्षिण की दिशा जो है भगवान यमराज के समान कही गई है, इस दिशा में गणेश जी महाराज को कभी भी स्थापित न करें। अगर इस दिशा में अगर गणेश जी महाराज का स्थापना की जाती है, मूर्ति विराजमान की जाती है, तो घर में सदैव कलेश बना रहता है तथा मानसिक तनाव बना रहता है, नकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है और सदैव घर में किसी न किसी के स्वास्थ्य में हानि रहती है। इसलिए गणेश जी महाराज की स्थापना करते हुए दिशाओं का ध्यान रखना चाहिए और भगवान गणेश जी महाराज को सदैव लाल वस्त्र पर अक्षत रख करके, सुपारी रख कर करके तथा सिक्का और हल्दी की गांठ रख करके उस पर भगवान गणेश जी महाराज की प्रतिमा को स्थापित करना चाहिए। कलश रखना चाहिए तथा कलश के साथ में ही भगवान गणेश जी महाराज के आसपास दोनों ओर रिद्धि सिद्धि के सहित हल्दी की गांठ रखें। उसके पश्चात भगवान गणेश जी महाराज का पूजन करें, उन्हें भोग लगाएं, ध्रुवा का रोज प्रतिदिन ध्रुवा के साथ में भगवान को भोग लगाया जाए और भगवान गणेश जी के साथ में भगवान मूषक राज उनके जो वाहन कहे गए उनको भी भोग लगाया जाए, इससे घर में धन धान्य की आदि की सुख समृद्धि बनी रहती है।